श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में उल्लास से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जिस मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसकी मान्यता हरियाणा ही में नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये मंदिर विख्यात है। यूं भी भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और छोटी काशी का ये मंदिर जो है ये काफ़ी विख्यात मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है जन्माष्टमी के पर्व पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और देर शाम यहाँ मेला शुरू होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का तांता देखा जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पाएंगे। सर, क्या महत्व है इस मंदिर का, इस मंदिर की मान्यताएँ क्या है? सर, ऐसा है, मैं इस ट्रस्ट का मैनेजर जी। ये ट्रस्ट जो है, इसकी मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन हम मनाते हैं ये बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी मना रहे हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में आदमी आते हैं दूर दराज से इसको देखने के लिए। इसकी मान्यता ये है कि जो सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना भगवान पूरी करता है ज़ाहिर तौर पर। और जो सच्चे दिल से इस मंदिर में आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भिवानी मंदिरों का शहर है, मंदिरों की नगरी है, छोटी काशी के नाम से भिवानी विख्यात है। और ये किरोड़ीमल मंदिर है, बरसों पुराना ये मंदिर है और भव्य मंदिर जो है इसका स्वरूप यहाँ पर देखा जा सकता है। श्री कृष्ण के भव्य रूप के दर्शन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है। खुद लगातार जो मंदिर कमेटी के मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। सर, और क्या कहेंगे मंदिर को लेकर? सर, मंदिर में जैसे ये आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये पत्थर पे उकेरी हुई मूर्तियाँ हैं, न कि मिट्टी की हैं। ये पत्थर पे उकेर पे जो आप पीला रंग इसमें देख रहे हैं ना, ये सोने की वर्क है उस वक्त के, न कि कोई पेंट है। ये कितने साल पुराना मंदिर? ये 1951 में बन के तैयार हो गया था, 3 साल में बन के तैयार हो गया था। और ये मंदिर सेठ किरोड़ीमल जी लुवारी वाले ने बनवाया था, जाटू लुहारी वाले ने, जो अपना शहर दूरी है। जाहिर तौर पर सेठ किरोड़ीमल लुहारी वाला के द्वारा मंदिर बनाया गया। आप देख पाएंगे भव्य यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, भव्य झांकियाँ भी यहाँ पर सजाई गई हैं, लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। और जो है आप देख पाएंगे अभी आवाजाही श्रद्धालुओं की शुरू हो चुकी है। लड्डू गोपाल जो है यहाँ पर सजाया गया है, झूला जो है उनको झुलाया जा रहा है। और अभी क्योंकि देर शाम अगर मैं बात करूँ, 12 बजे जब चंद्रोदय होगा उस वक्त कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बाल कृष्ण वो अवतार लेंगे और उस वक्त यहाँ पर भीड़ जो है देखने लायक होगी। लेकिन इस बीच अब श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है प्रसिद्ध मंदिर में। जो लोग यहाँ पर, कुछ और लोग हैं, आपसे बात करूँगा मैं। जन्माष्टमी का त्यौहार है, किस तरह की मान्यता मंदिर में? बढ़िया, अभी रस होने वाला है, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया है। जो यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो आदमी अपनी मनोकामना लेके आता है उसको भगवान पूरी करता है। जाहिर सी बात है। और आज जो है तमाम मंदिरों को इसी तरह से सजाया गया, खासतौर पर कृष्ण का ये मंदिर जो है, भव्य मंदिर यहाँ पर है और भिवानी के बीच बाजार में ये मंदिर है। और इस मंदिर की जो सजावट आज जो है वो देखते ही बन रही है। किरोड़ीमल मंदिर से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज धूम देखी जा सकती है और भिवानी के अत्यंत प्राचीन कोरी शंकर मंदिर यानी किरोड़ीमल मंदिर के बाहर इस वक्त में मौजूद आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं की यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से देखी जा सकती है। साथ ही साथ चारों तरफ जो है मेले का सा आलम है, अंदर श्रद्धालु जो है उनका आवागमन अब शुरू हो चुका है और अब देर रात तक यानी मध्य रात्रि तक इसी तरह तस्वीरें यहाँ पर देखी जाएंगी बड़ी तादाद में। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं की आवाजाही और ठीक है यहाँ पर सामने जो है तस्वीरों में वो झांकी है, वो प्राचीन झांकी है जो कि करीबन 7 दशक पुरानी झांकी है, जिस झांकी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये वो झांकी है जिसको देखने के लिए देश के दूसरे राज्यों से भी लोग जो है आते हैं और यहाँ भी दूसरी अन्य झांकियाँ भी सजाई जा रही हैं। और इसके अलावा श्रद्धालुओं की कतारें यहाँ पर लगनी अब शुरू हो चुकी हैं, श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में आएंगे, लोगों की भीड़ उमड़ेगी इस प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में। और आखिर उमड़े भी क्यों ना, क्योंकि भिवानी जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, काशी विश्वनाथ में जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में मंदिर हैं, ठीक उसी तरह भिवानी में भी करीबन 500 के करीब मंदिर हैं। और इन मंदिरों की हर एक की अपनी खास बात है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि जन्माष्टमी के मौके पर प्रतिवर्ष इसी तरह का आलम यहाँ पर देखा जाता है, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर अब आनी शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से मंदिर की साज सज्जा जो है वो देखते ही बन रही है। और यहाँ पर ना केवल मैंने बताया कि भिवानी बल्कि आसपास के राज्यों के, दूसरे राज्यों के, हरियाणा से इतर दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी यहाँ पर आते हैं।
कृष्ण के बाल रूप के यहाँ पर दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है जो अंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो पत्थरों पर उकेरी गई हैं, सोने का वर्क उनके ऊपर चढ़ाया गया है। और साथ ही साथ मंदिर की मान्यता ये है कि जहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मुरादें मांगते हैं वो मुरादें उनकी पूरी होती हैं। भिवानी के किरोड़ीमल मंदिर से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी के किरोड़ीमल मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है, भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आई, आप व्रत किया आपने, क्या मान्यता इस मंदिर की अगर बात करें? जी बहुत अच्छा मंदिर है जी, हर साल आते हैं हम यहाँ पर देखने के लिए, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ जी, क्या मान्यता है इस मंदिर की? आप मंदिर में आए हो, पहली मर्तबा आए या उससे पहले भी आए हो? पहली बार आए हो। कैसा लगा मंदिर में आने? बहुत अच्छा लगा। क्या मान्यता, कितना मशहूर है मंदिर? बहुत मशहूर है। क्या अच्छा लगा आपको मंदिर में? बहुत अच्छा लगा, यहाँ झांकियाँ होती हैं, मतलब काफी अच्छा मंदिर है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो काफी अच्छा। व्रत किया था? हाँ, व्रत होता है, इसकी मान्यता बहुत अच्छी है, देश विदेश में इसको माना जाता है, तो बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए, मंदिर के बारे में जैसा मैंने जिक्र किया कि इस मंदिर की मान्यता अकेले भिवानी या प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में इस मंदिर की मान्यता है। वर्ष 1951 में इस मंदिर का निर्माण सेठ किरोड़ीमल लोहारी वाला के द्वारा किया गया था और उसके बाद से यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। जो इस तरह की मान्यता है कि जो मन्नतें मांगी जाती हैं वो मन्नतें, तमाम मन्नतें यहाँ पर इस मंदिर में पूरी होती हैं। मंदिर में कितने साल से आ रही हैं आप यहाँ? हम कितने साल से बताएं, बहुत साल से, मेरे ख्याल से 50 साल से भी ज़्यादा से आ रही है। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मंदिर में? बिल्कुल मिलता है। मान्यता क्या है इस मंदिर की? मान्यता तो देखो, कोई भी धार्मिक स्थान हो वहाँ जाओ, मन को शांति मिलती है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मंदिर में कितने साल से आप आ रहे हैं, इस मंदिर की बात करूँ मैं? मैं तो मंदिर में पहली बार आया हूँ। पहली बार, कैसा लगा इस मंदिर? बहुत अच्छा है, सजावट अच्छी है और बिल्कुल जो प्रकृति की जो हर चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं, जो पुराने महात्मा संत हैं उनकी फ़ोटो हैं। चलिए, ये इन मूर्तियों का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, सोने का वर्क इनके ऊपर चढ़ाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर मिट्टी से जो है मूर्तियाँ नहीं बनाई गई हैं बल्कि ये पत्थर पर जो है इनकी खुदाई की गई, उसके बाद सोने का वर्क इनके ऊपर चढ़ाया गया है। तमाम जो है ये लोग, तमाम ये श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएँ मौजूद हैं, युवतियाँ मौजूद हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल की जा रही है। साथ ही साथ जो है अभी क्योंकि शुरुआत हो चुकी है लोगों की आवाज़ाही की और करीबन 12 बजे जब मंदिर में जब चंद्रोदय होगा, चंद्रमा का उदय होगा यानी श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस वक्त यहाँ पर जो है लोगों की अपार भीड़ उमड़ेगी। किरोड़ीमल मंदिर से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। भिवानी के प्रसिद्ध किरोड़ीमल मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और भगवान कृष्ण का मंदिर है, भव्य रूप यहाँ पर भगवान कृष्ण का देखा जा सकता है। वर्ष 1951 में ये मंदिर बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था, 51 में शुरुआत की गई थी, 1953 में मंदिर का निर्माण कार्य जो है उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर जो है तांता देखा जाता है। हर बार जन्माष्टमी के मौके पर इसी मानिंद यहाँ पर श्रद्धालु उनकी आवाजाही देखी जाती है और ये भव्य रूप यहाँ पर एक झांकी देखी जा सकती है। कृष्ण का जन्म होता है, उसके बाद की पूरी कहानी जो है इस झांकी के अंदर दिखाई गई है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से कृष्ण के जन्म के बाद जो है वासुदेव उनको लेकर, आप देख पाएंगे एक टोकरी में लेकर जाते हैं और पूरा सजीव चित्रण इस मंदिर में, ये जो ये झांकी बनाई गई है जहाँ पर ये झांकी देखी जा सकती है वहाँ पर सजीव चित्रण देखा जा सकता है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी के किरोड़ीमल मंदिर से, ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख पाएंगे टोकरी में जो है भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को लेकर जाते हैं और आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। और उसके बाद आखिर का जो चौथा जो हिस्सा है उस हिस्से में आप देख पाएंगे पूरी तरह से कृष्ण जो है उनकी ये झांकी यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देख पाएंगे किस तरह से, और जब कृष्ण के मामा उस बच्ची को जो है इस तरह से फेंकते हैं आप देख पाएंगे देवी रूपा यहाँ पर हो जाती है। तो मंदिर जो है अपने आप में कई सारी खासियतें लिए हुए हैं, कई सारी खासियतें यहाँ पर इस मंदिर में देखी जा सकती हैं। आप देख पाएंगे जी, आपसे बात करूंगा अभी मैं, क्या कहेंगे मंदिर की खासियत क्या है? अगर मंदिर की खासियत की बात करूँ, यहाँ पर जो झांकी देखी जा सकती है उसका महत्व क्या है? 1951 में सेठ किरोड़ीमल जी ने
इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उत्तर भारत का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भाई साहब। और इस मंदिर की ये झांकी लगभग 65 साल पुरानी झांकी है भाई साहब। यहाँ पुराने समय में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से इस झांकी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और आज भी मंदिर में सेठ किरोडीमल चैरिटी ट्रस्ट द्वारा भव्य प्रोग्राम किया गया है, लाइव झांकियाँ लगाई गई है, कृष्ण के रूप को अलग अलग रूप में दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर सभी झांकियों का निर्माण किया गया और जन्माष्टमी किरोडीमल ट्रस्ट द्वारा बहुत ही भव्य रूप से मनाई जा रही है। मनीष सिंघानिया भी मेरे साथ ट्रस्टी है। मनीष जी क्या कहेंगे मंदिर की खासियतों को लेकर, विशेषताओं को? वो तो आप देख सकते हैं मंदिर की खासियत क्या है जी। मैं तो वही चेष्टा कर सकता हूँ जो पुराने टाइम में चले थे वो आज भी मैं उसको चला सकूँ जी। क्या कहेंगे सर मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर हमारी है कि जैसे पहले सेठ किरोडीमल जी की इच्छा थी कि इस मंदिर को भव्य मतलब बनाकर अच्छा शहर के लिए एक दिखाया जाए, उसी प्रकार से सब सेठ जी ने कहा है कि मतलब जो इसका सुधार करना है मंदिर का, इसको सुधारेंगे। आने वाले समय में जैसे पहले झांकियाँ लगती थी वैसे झांकियाँ लगे और इसका दिनों प्रतिदिन प्रतिदिन उद्धार करते चले गए और इसका रेनोवेट भी बहुत जल्द शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैडम आपसे बात करूँगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज, मंदिर में आप आए हैं, क्या मान्यता इस मंदिर की है? अगर इस मंदिर की मान्यता की बच्चे भी कुछ साथ हैं जी, बताइए क्या मान्यता इस मंदिर की? मंदिर में आते हैं मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर जो है जिस तरह की मान्यता है ये सुना गया है? हम तो पहली बार ही आए हैं जी। जी यहाँ की यहाँ पर है ना जब भी मतलब मनोकामनाएं पूरी होती है, बहुत पुराना मंदिर है ये और वहाँ से बहुत दूर दूर से भी देखने के लिए भी आते हैं। मैम कहाँ से आप आए हैं? भिवानी से आए हैं। हर बार आते हैं मंदिर को देखने के लिए? हर बार इसी तरह से जी जी। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो है ये श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरह से इस मंदिर में जो है भीड़ का आलम ये रहता है कि यहाँ पर पैर रखने की तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। झांकियाँ इस मंदिर की मशहूर है और इसके अलावा साज सज्जा देखते ही यहाँ पर इस मंदिर में बनती है। किरोडीमल मंदिर से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।